हम करने वाले हैं अपने किट की अनबॉक्सिंग वीडियो के मैंने लिया अभी फिलहाल अभी भी लिया है भाई अमेजोन से मंगवाई थी मैंने किट है मेरे आपकी वी के एडियन लेजेंड की किट है अगर मतलब आपको ऐसी किट चाहिए तो मैं कहता हूँ कि आप पहले इस वीडियो को पूरा देख लें फिर आप एक बार किट लेने की सोचो ठीक है। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप मैं एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है इस किट के अंदर और उनकी क्या क्वालिटी है ठीक है। अभी चलते हैं स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा बैट भाई बैट देख लो कैसा है कुछ ऐसा बैट है भाई ये इंग्लिश विलो की लकड़ है मतलब बैट की क्वालिटी ना ठीक ठीक है ना कि ज़्यादा अच्छी है ना कि ज़्यादा मतलब पूरी बेकार भी नहीं। अगर मैंने अभी सिर्फ खेला नहीं है लेकिन भाई होता है ना जैसे मेरा पुराने वाला बैट है वो है SS का और वो कुछ आया था 2000 रुपीज़ का और भाई ये थ्री था मतलब ये कितने की पड़ी है मेरे को ये 4000 कुछ की पड़ी है मेरे को 4800 हाँ 4800 रुपीज़ की पड़ी है मेरे को। मैंने ये ऑफलाइन बाय करी है ठीक है ऑनलाइन बाय करोगे तो और सस्ती मिलेगी लेकिन मेरे को ऑनलाइन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है ठीक है। आप मैं लिंक जब भी दे दूंगा आप कर सकते हो नो डाउट बट मैंने तो ऑफलाइन करी क्योंकि हमारे यहाँ मिल रही थी और भाई देख लो कैसी क्वालिटी है कितना मोटा मतलब ये सही मेरे को लगा बैट लेकिन वेट है इसका 1100 ग्राम का बैट है तो अगर जो मेरा पुराने वाला बैट है इसका उसका वेट है 900 ग्राम तो भाई फ़र्क तो होता है तुम अपने हिसाब से देख लो मेरे को तो बैट ठीक ठीक लगा और बढ़िया है मतलब खेलने के लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा हेलमेट तो नेक्स्ट हमारा है हेलमेट गाइस तो हेलमेट के अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर कोई टैग नहीं लगा किसी कंपनी का जैसे इसमें MRF का टैग लग रहा है बैट में इसमें कोई टैग नहीं आया MRF का लेकिन क्वालिटी मेरे को अच्छी लगी इसकी नो डाउट भाई वाइजर भी बिल्कुल स्टील का है एकदम बढ़िया और क्वालिटी अच्छी है और अंदर से एयर स्पेस दे रखी है फोम में जो कि हम कंफर्टेबल रखता है भाई ऐसा ही लगा बस मेरे को ना थोड़ा सा ये लगा कि इसके आपको ये टाइट करने में थोड़ी देर लगेगी क्योंकि भाई बहुत देर लगती है भाई मैं थोड़ा बैंड हो रखा था मेरे वाले में बट मेरे को अच्छा लगा भाई सब कुछ अच्छा लगा अब तो फिक्स हो गया अब तो बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है तो भाई ये मस्त है ये भी MRF के किट के अंदर ही आया है हाँ किट के अंदर ही था ये MRF की। और अब अगला नेक्स्ट हम निकालते हैं बैटिंग ग्लव्स भाई साहब मेरे को लगे एक नंबर अच्छी क्वालिटी है बैटिंग ग्लव्स की सही है देख लो एक नंबर है सही है भाई बैटिंग ग्लव्स बिल्कुल लेदर के लिए बना रखे हैं सही लगे भाई बैटिंग ग्लव्स तो आप अगर अलग से लोगे तो आपकी मर्जी है नहीं कि इसके अंदर सही आते हैं अगर आप प्रोफेशनल हो या बिगनर्स हो तो ये वाली किट जरूर लो अगर आप प्रोफेशनल्स हो तो भाई इसके अंदर ना मेरे को बस बैट चेंज कर मतलब थोड़ा बहुत सामान है जो चेंज करने वाला है छोटा छोटा मेन मतलब छोटा छोटा सामान है क्या क्या जैसे कि मेरे को पैड्स तो अच्छी लगी पैड्स की क्वालिटी अंदर से भी बहुत अच्छी है पैड्स तो मैं मतलब आप प्रोफेशनल हो आपके हिसाब से भाई कुछ भी चेंज कर लो आप जैसे आपको बैटिंग ग्लव्स अच्छे नहीं लग रहे तो आप बैटिंग ग्लव्स चेंज कर लो मतलब किट तो बढ़िया है मेरे को नो डाउट जैसे लो बजट के अंदर किट एक नंबर की है बैट तो चेंज करोगे यार बैट तो इतना अच्छा नहीं है कि आप प्रोफेशनल होकर खेल रहे हो जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेलते हो वैसे वाला तो बैट है नहीं तो वैसे वाला बैट तो है नहीं लेकिन बिगनर्स के लिए एक नंबर रहेगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम बैटिंग पैड्स पे बैटिंग पैड्स की क्वालिटी बढ़िया लगी मेरे को देखो MRF के बैटिंग पैड्स है साइड में लिखा विराट कोहली अंदर से देख लो ये विराट कोहली क्यों लिखा हुआ है इस पे क्योंकि ये विराट कोहली VK18 ये जैसे कि मैंने बताया था VK18 लेजेंड का एडिशन है MRF के MRF का स्पेशली विराट कोहली यूज करता है और अब पैड देख लो भाई ऐसे हैं अब इसमें देख लो ये भी मेरे को अच्छा लगा अभी तो हमने आज खेल के देखा ना देखो भाई पीछे वाले ने भी उसने ट्राई करके तो कैसा लगा पहन के सब कुछ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई सब बढ़िया लगा मेरे को भी बहुत बढ़िया लगा बस मतलब जैसे कि अगर आपको ये बड़ा लग रहा है मैं थोड़ी स्टिप दे रहा हूँ इसके अनबॉक्सिंग व्लॉग के अंदर भी क्रिकेट के लिए अगर भाई आपको ऐसे पहनना आपने तो ये चीज़ अगर आपको ऐसे ही वाला ये ऐसे यहाँ चलोगे भाई ये दिक्कत होती है ये अड़ता है यहाँ पर ऐसे ऐसे करके अड़ता है तो मतलब कम्फर्टेबल नहीं होता
तो इसको ना ऐसे फोल्ड करके ऐसे करके मतलब इसमें ऐसे करके और ऐसे चिपका दो और आप ऐसे कर सकते हो यूज, तो कोई कुछ नहीं होगा, मतलब आपको कंफर्टेबली हो जाएगा। ठीक है, पैड्स मेरे को अच्छे लगे दोनों के। ये इसका सेकंड पेयर भाई, ये MRF मतलब ये HF मतलब HF के वो हैं सारी चीज़ें। तो HF के अंदर कहीं कहीं किट आती है, CRT की किट आती है, स्पार्टन की किट आती है, मस्त, लेकिन टॉप पे ये चलती है, तो मैंने यही ले लिया स्पेशली। अभी हम बिगनर, तो बिगनर्स हुए। और ये हमारा एल्बो, एल्बो क्वालिटी नंबर क्या है, सही है, सही लगी एल्बो। इसके अंदर है क्या वैसे, पता नहीं क्या है, फोम है ना। हाँ हाँ फोम है आपके, तो बस ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे है, मतलब कुछ मजबूत पार्ट है, मैं क्या होता मेरे को पता नहीं है भाई। और अब आगे आपके अपनी थाई, थाई भी मस्त है। ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जेन्यूस कॉन्क्योर, मतलब मेरे को भाई सब बेस्ट है, सब कुछ मेरे हिसाब से सब कुछ अच्छा है। बस एक चीज पे मेरा मतलब मन नहीं माना कि वो मतलब जो चीज़ आई है वो खराब है। ये एलगार्ड है, एलगार्ड की क्वालिटी एक नंबर है, मैंने यूज भी करा है। ठीक है, साइज भी सही है, ये 15 to 21 उसकी है, 15 to 21 ईयर्स ईयर्स के, और के लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे को फिट आई है। ये 5 feet के हिसाब से मेरी 5 feet मतलब एक होगी या 5'1" या 5' होगी, तो मेरे को सही लगी मेरी। और नेक्स्ट आ जाती है, मतलब ये मैंने तो सारी चीज़ें रख रखी है, इनकी कवर आए थे अच्छे से, आए थे एब्डोमिनल गार्ड इसमें आए थे। ठीक है, मैं रख ही रखता हूँ इनको। और बस एक चीज़ है लास्ट जो मेरे को बिल्कुल भी अच्छी लगी, इनकी क्वालिटी लेकिन कर भी कर सकते हैं भाई जो कि बोल, ये तो बिल्कुल ही बाउंस नहीं हो रही भाई, नंबर ही घटिया क्वालिटी है। मैं प्रेफर करूँगा कि आप दूसरी बॉल से खेलो, उसमें मत खेलो। देखो भाई हम पर पड़ी है दूसरी बॉल लेदर की, वो मतलब मैं लाया था लोकल से ही, लेकिन वो इससे बढ़िया चल रही है। देखो भाई कैसे बोलते हैं, क्या ग्लू ग्लास चिपका रखे हैं इस पर, मज़ा तो नहीं आ रहा इसको देख के, लेकिन क्या कर सकते हैं, बस वही सब कुछ सामान। एक बार इनको बता दे, तू ये कोई प्रमोशन तो नहीं कर रहा ना। ना ना प्रमोशन नहीं है, नो प्रमोशन, जेन्युइन है ना, जेन्युइन है भाई सब कुछ। मैं अपनी आपको बता रहा हूँ, मैं कह सकता हूँ कि ये किट मस्त है, आप खेलो बॉल को छोड़ के। बॉल को छोड़ के ये किट एक नंबर की है। आप इस पे मतलब मैंने मतलब रिव्यूज कहीं पढ़े हैं, कई रिव्यूज पढ़े हैं इसके ऊपर, इस किट को जब मैंने कहीं रिसर्च करके किट लिया, सब ने कह रखा है कि बेस्ट किट है, मतलब उनको अच्छा लगा, उनको कंफर्टेबल लगा इसको खेलने के बाद। और बैट के बारे में भाई, मैं बैट को मैं कहता हूँ कि कैसे भाई बैट, उन्होंने कहा कि 140+ किलोमीटर PH स्पीड झेल रहा है। अब तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को रेटिंग दे 10 में से। अब रेटिंग दूँ, हाँ, और लास्ट एक चीज़ रह गई बैक क्वालिटी। बैक के अंदर क्या मिला भाई, बैक के अंदर पूरा अच्छा स्पेस है, पूरा बढ़िया स्पेस है। और ये देखो ये आगे एक चैन है, एक मतलब सिंगल बैट का है, क्योंकि इनके सारे बैट आए सिंगल बैट के, मेरे को तो सही लगा, मतलब चैन चून भी सब सही था, एक नंबर का था। अब मैं रेटिंग देना चाहता हूँ सब चीज़ों को। ठीक है, सबसे पहले हेलमेट, हेलमेट हेलमेट को मैं रेटिंग देना चाहता हूँ 10 out of 9.5। ग्लव्स, ग्लव्स को मैं देना चाहता हूँ 10 out of 8। थाई 10 out of 10। एल्बो 10 out of 10। पैड्स 10 out of 9.5। बैक 10 out of 8। एल्गार्ड 10 out of 10 to 10। और मैं मतलब 10 on 10 दे रहा हूँ, लेकिन गाइस इसके ऊपर डबल पहन लो भाई, इसकी सेफ्टी बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए। ठीक है, इसको डबल पहनते हैं भाई क्रिकेटर्स, डबल डबल करके पहन लो। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल खेल रहे हो, बिगिनर से तो एक ही बोलते हैं तो भाई। और बैग को मैं देना चाहूँगा 10 out of 8.5। बाकी क्यों बता दिए, बाकी के क्यों बता दिए, क्योंकि भाई सिंगल बेड स्पेस है और मेरे को लग रहा था कि और भी चैन होगी इसमें, लेकिन दो ही चैन है, तो इस हिसाब से लेकिन बेस्ट किट है। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दो लाइक, इस चैनल को दो सब्सक्राइब। अगर आप ये और चीज़ें ऐसी सी अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो
इस चैनल को भाई जाके नीचे से सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा लाल कलर का, उसको मारो मुक्का लेके, ठीक है, और साइड मारी होगी बेल आइकन, उसको दबा दो, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन आ जाएगी कि हमने क्या क्या वीडियो डाल लिया है। भाई अब से वीडियो आती रहेगी, अगर आपको जो आपको क्या इस कमेंट में डाल दो कि आपको कैसे टाइप की वीडियो चाहिए। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जय श्री।